हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में हम इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.3 क्लास 12 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टॉपिक का है। क्वेश्चन नंबर 18 हमने एक्सक्लूसिवली अलग से चुना है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम्स में सीबीएसई में पूछा जा चुका है। आप अगर एक्सरसाइज 6.3 के और सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को में जाएं, लिंक क्लिक करें, आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर द कर्व दिस इज अ गिवन कर्व, मान हमें मालूम नहीं है कि ये कर्व किस प्रकार का है, लेकिन हमने मान लिया कि ये कर्व इस तरह का कोई एक कर्व है और इस के ऊपर टेंजेंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वो मान लेते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका कौन सा है, अल्फा बीटा आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट है और आपको लिखा हुआ है फॉर दिस कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच, वो सारे पॉइंट्स निकालना है एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो इसको ओरिजिन मान लेते हैं तो dy/dx निकालते हैं और ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि गलत है। क्यों? उसका एक कारण है, देखिए ध्यान से, आपको ये दिया हुआ है कि टेंजेंट ओरिजिन से पास होती है, ये नहीं दिया है कि अल्फा बीटा ओरिजिन है। अल्फा बीटा और ओरिजिन ये दोनों अभी अलग अलग हैं। अब इस कर्व की इक्वेशन क्या है दोस्तों, इस कर्व की इक्वेशन है 4x³ - 2x⁵। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा आपका 12x² - 10x⁵। और इसमें dy/dx की जगह 0,0 नहीं डालना है, क्योंकि 0,0 आप देख सकते हैं दूर है, क्योंकि आपकी टेंजेंट ओरिजिन से पास होती है। टेंजेंट और कर्व का ये कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं है, ओरिजिन इज नॉट अ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द कर्व। हाँ, एक वैल्यू आएगी लेकिन वो बाद में आएगी। अभी हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों एक हैं, ये अल्फा बीटा की वैल्यू ओरिजिन के बराबर नहीं है। अब ध्यान से देखिए, तो dy/dx एट अल्फा बीटा, अल्फा बीटा रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12α² - 10α⁴। ये dy/dx एट अल्फा बीटा है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? तो ध्यान से सुनिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y-β dy/dx एट अल्फा बीटा इंटू x-α। तो y-β विल रिमेन सेम, dy/dx का वैल्यू आप देखें 12α² - 10α⁴, x-α। अब आपका टेंजेंट किससे पास हो रहा है? तो देखिए, टेंजेंट पासेस थ्रू, तो सिंस ये टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टी, इसको मान लिया टी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को क्या बोला हमने, टी। अब ध्यान से सुने, सिंस टी पासेस थ्रू ओरिजिन, टी पासेस थ्रू ओरिजिन, तो इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अल्फा बीटा फिक्स है, अल्फा बीटा इज नॉट 0,0 नाउ, तो अभी आप 0,0 x और y की जगह डाल सकते हैं। ये अल्फा बी लाइन कितने पॉइंट से जा सकती है, इट में पास थ्रू इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स। ये अल्फा बीटा से भी जा रही है, 0,0 से भी जा रही है, लेकिन अल्फा बीटा की जगह 0,0 नहीं रख सकते, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 0,0 भी हो सकती है, अल्फा बीटा भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी एक्स वाई की, पर अल्फा बीटा आर फिक्स्ड, दे आर फिक्स्ड और वो वहीं पर रहेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 0-β 12α² - 10α⁴, ये आ जाएगा आपका 0-α। ये माइनस से माइनस चाहें तो आप कैंसिल कर दें, तो जब ये माइनस से आप माइनस को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आएगा बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान से सुनिए, तो अब आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें अल्फा को, तो ये हो जाएगा 12 α³ - 10
10 अल्फा टू द पावर 5, इसको दे दे नंबर 2, इसको दे देते हैं हम नंबर 1। अब आप ध्यान से देखो, अल्फा बीटा में ये एक इक्वेशन है और अल्फा बीटा ही कांटेक्ट पॉइंट है जिनकी वैल्यूज निकालनी है, लेकिन अल्फा बीटा दो वैल्यूज है और ये एक इक्वेशन है। अब हमें दूसरी इक्वेशन की भी ज़रूरत होगी, तो दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो दूसरी इक्वेशन देखेंगे दिमाग लगा के कि अल्फा बीटा कहाँ लाया करता है। तो अल्फा बीटा आप देखो टेंजेंट पे भी लाया करता है और अल्फा बीटा इस कर्व पे भी लाया करता है। तो सिंस अल्फा बीटा लाइंग ऑन 1, अल्फा बीटा 1 पे भी लाया करता है, तो इसलिए देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा टू द पावर 5। ये हो गया आपका नंबर 2, नंबर 3 सॉरी। अब आप इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल लें, तो 2 माइनस 3 कर देते हैं एक ऑपरेशन। तो देखो बीटा इज इक्वल टू 12 अल्फा क्यूब माइनस, आप इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हो क्योंकि दोनों बीटा के इक्वल है, तो बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब माइनस माइनस प्लस, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 8 अल्फा क्यूब माइनस, इसमें से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अल्फा टू द पावर 5। अब अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, जीरो इज इक्वल टू 8 अल्फा क्यूब 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 8 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा ये आपका 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और इससे आएगा अल्फा का वैल्यू 0। अब हमें दोस्तों बीटा की वैल्यू निकालनी है और दो इक्वेशन है हमारे पास, एक ये भी है एक ये भी है, पर मेरी सलाह है आपको, आप ध्यान से सुने, ये जब अल्फा बीटा किस पे लाया करता है, अल्फा बीटा आपका इस पे लाया करता है, किस पे? इस पे लाया करता है, इस इक्वेशन पे। इस इक्वेशन में क्या है वैल्यू आपके पास, तो इसके बेसिस पे आई थी बीटा की वैल्यू 12 अल्फा क्यूब सॉरी बीटा की वैल्यू आई थी 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा टू द पावर 5। तो आप इसमें डाल सकते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल, लेकिन आप इस पर प्रेफर करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये जाएगा बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, तो ये आ जाएगा आपका बीटा 0, किसी में रख दें आप। और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर दो है, एक तो प्लस 1 है और दूसरी वैल्यू है अल्फा की माइनस 1। अल्फा की वैल्यू प्लस 1 अगर आप इसमें रखेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, यहाँ पे क्यूब है या स्क्वायर है वो 5 है पावर, तो ये जाएगा 4 माइनस 2 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 1.2। जब आप माइनस 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, तो आपका पॉइंट आ जाएगा माइनस 1 कॉमा माइनस 2 और इसमें अल्फा बीटा दोनों के आएंगे 0 0, आपका पॉइंट है 0 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2। तो ये था दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, आपने मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपको कोई कंफ्यूजन हो कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। खूब पढ़ें खूब सीखें आगे बढ़ें देश को बढ़ाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।